A warm greeting to all of you. Though I may look young, but at least I'm 17 years older to all these girls sitting over there. Very young to all of us. Okay, and Professor Kanta is here, who is chairing the session, so I also welcome him, as Daisy ma'am ordered me. Okay, I would like to begin with a word of thanks to Professor Pushpendra for having me here, to TISS-Patna Center team, thank you. I would like to also thank History Department, Patna University and Magad Mahila College. There is a nostalgic value for me for this college because around a decade ago, I used to come here to write my examination, my bachelor's examination. So I feel really nostalgic and very good about it that today I'm a speaker here. The work which I'm going to present here is part of my doctoral research work. Ye meri PhD ka hissa hai. Maine apni PhD Tata Institute of Social Sciences Mumbai se ki hai. Uske baad filhal main aap jaise vidyarthiyon ko Delhi mein MIT University mein padha rahi hu. Aur chuki is hall mein badi sankhya mein mahilaye hain aur chhatraye hain to main behad khush hu kyunki mera jo research hai वो लगभग उसका जो कंसर्न है मुख्य कंसर्न है वो महिलाएं हैं और मुख्य कंसर्न महिलाएं जो हैं उसको मैं थोड़ा इस टॉपिक को रीफ्रेम करना चाहूंगी. इस टॉपिक को मैंने दिया है कि फोक सॉन्ग्स एज एपिस्टेमिक सोर्स टू अंडरस्टैंड माइग्रेशन फ्रॉम भोजपुरी रीजन. हालांकि ये टॉपिक मुझे ऐसे फ्रेम करना चाहिए था कि फोक सॉन्ग्स एज मीडियम थ्रू विच one can understand lives of Bhojpuri women in context of male migration. Yani ki kul mila ke, I am concerned with women's perspective on migration. Main mahilaon ke nazariye ko lekar kuch kaam karna chahti thi aur wo nazariya log geeton mein samahit hai, isliye maine log geeton ko epistemic resource yani ki zariya banaya. Right? Okay. और जैसा कि डेजी मैम ने अभी एक्सप्लेन भी किया, बिहार में मुझे ये ठीक से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लोग जानते हैं कि यहाँ के भोजपुरी भाषी इलाके से बड़ी तादाद में पलायन होता है, माइग्रेशन होता है और ये बात हम सबके लिए सामान्य ज्ञान की बात है. किसी और कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये इतिहास बताना पड़ता है कि लगभग 2 सेंचुरी से यहाँ पे पलायन चल रहा है. पहले किसी और इलाके में जाया करते थे, आज किसी और इलाके में जाया करते थे. यहाँ पर मुझे ये ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बिहार है. राइट. सो लेबर आउट माइग्रेशन फ्रॉम भोजपुरी रीजन इज अ हिस्टोरिकल रियालिटी एज वेल एज अ कॉन्टिन्यूइंग फिनोमिनन एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली अ मेल फिनोमिनन. तो अपने शोध के जरिए मैं जानना चाहती थी कि पलायन के प्रति महिलाओं का नजरिया क्या है, उन महिलाओं का जिनके पुरुष चले जाते हैं. जो भोजपुरी इलाकों से लेबर माइग्रेशन हो रहा है प्राइमरीली मैं उसको लेकर कंसर्न हूं और ये जानना चाहती हूं कि महिलाओं का कुछ डिस्कोर्स यानी विमर्श रहा है या नहीं रहा है. जैसा कि मैम ने इंटरप्रेट किया कि काफी बातें समझी जा सकती हैं, हालांकि मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूं. लोक गीतों से लिमिटेड बातें ही समझी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी जो समझा जा सकता है वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि जो लोकगीत हैं इस समाज का कल्चरल डेटा है. तो मैंने सोचा कि इन कल्चरल डेटा को चूंकि इनके निर्माण में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही है और खासतौर से कृषक समाज की महिलाओं की, तो मैंने इनको पढ़ने और अनपैक करने की कोशिश की ताकि मैं उनका नजरिया समझ सकूं. अब सवाल ये उठता है कि मैं लोकगीत ही क्यों चुन रही हूं, कोई और जरिया क्यों नहीं चुन रही हूं. तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आई एम यूजिंग फोक सॉन्ग्स एंड नथिंग एल्स, नॉट बिकॉज आई एम फैसिनेटेड विथ फोक सॉन्ग्स. सॉरी, आई एम नॉट फैसिनेटेड विथ फोक सॉन्ग्स. I am somebody who is angry with folk songs. Because we are talking about those women who have no written records. They haven't written anything because of certain structural reasons. Bhojpuri Krishak Samaj, जहां शायद ही आपको महिलाओं द्वारा लिखा गया कुछ प्राप्त हो, उपन्यास, कहानियां, संस्मरण, आलेख,
वहाँ के कृषक समाज की महिलाओं द्वारा लिखे गए ऐसे सोर्सेस, ऐसे एपिस्टेमिक सोर्सेस आपको उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं साक्षर नहीं है, पहली बात। लेकिन मुद्दा सिर्फ साक्षरता का नहीं है। इवन इफ लिटरेसी रेट हैज इम्प्रूव्ड ओवर ईयर्स, इट हैज नॉट बिल्ट लिटररी स्फीयर अमंग वुमेन, स्पेशली अमंग वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सो देयर इज हार्डली एनी एपिस्टेमिक रिसोर्स एक्सेप्ट फोक सॉन्ग्स। तो लेखन उपलब्ध है ही नहीं, लोकगीतों की भरमार है, इसीलिए लोकगीतों को जरिया बनाया गया है। सो देयर आर फोक सॉन्ग्स अकंपनिंग लेबर प्रोसेसेस, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, लाइफ साइकिल ओकेजंस। फॉर एवरी जॉय एंड एवरी फेटिलिटी देयर इज अ फोक सॉन्ग टू इट। सो लेट अस सी व्हाट डिड आई फाइंड इन माय रिसर्च यूजिंग फोक सॉन्ग्स एज एपिस्टेमिक रिसोर्स, इन सिंपलर वर्ड फोक सॉन्ग्स एज मीडियम। In short, my research is about Bhojpuri folk songs and its interface with migration, 1, gender, 2, and caste, 3. तो जैसा कि मैम बता रही थी, इसके पहले भी जो यहाँ presentations हुए हैं, लोकगीतों के कुछ बड़े फेवरेट किरदार हैं। ये माइग्रेशन जो प्रक्रिया है उसने लोकगीतों को कुछ किरदार दिए हैं। एक है परदेसी पति और दूसरी छूट गई पत्नी, राइट? माइग्रेंट और लेफ्ट बिहाइंड वुमन, दैट इज वाइफ, ठीक है? दो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट भोजपुरी वुमेन एंड मेन शुड बी कैटेगराइज्ड इन दीज टू कैटेगरीज, इन फैक्ट दे शुडंट बी कैटेगराइज्ड इन दीज टू कैटेगरीज, बट द पॉइंट हियर इज दैट दे आर द फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ फोक सॉन्ग्स। ये चरित्र हैं, किरदार हैं। सो वेयर डिड आई गॉट माई सॉन्ग्स, मैंने कहाँ से गीत लिए? हालांकि मैं कल्चरल इनसाइडर हूँ, मैं इसी समाज की हूँ, मगर मटीरियल आउटसाइडर हूँ, यानी समाज से फिजिकली बाहर रह रही हूँ, राइट? सो माई फर्स्ट सोर्स ऑफ फोक सॉन्ग्स वॉज माई अनलेटर्ड मदर लखपति देवी, हु इज सिटिंग ओवर देयर। And secondly, I used anthologies of folk songs collected from the region. And lastly, I went to the region, I went to certain villages to collect songs and collect insights from a fresh perspective, right? So, मैं किन्हीं किन्हीं गांवों में गई जो कि मेरे अपने खुद के गांव रहे हैं, भोजपुर जिले में डिहरी, भैरोटोला और रतनपुर, मेरे पिता का गांव, मेरी माँ का गांव और मेरी बुआ का गांव। इन इलाकों से जाकर मैंने गीत इकट्ठे किए और इनसाइट्स इकट्ठे किए। अब ये बहुत ही मुख्य बात मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से, क्योंकि आप कौन हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का डेटा मिलेगा, यानी आपकी सोशल लोकेशन विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी योर एपिस्टेमोलॉजिकल पोजिशन, राइट? सो सिंस आई वॉज एन इनसाइडर, I was not identified as researcher, but as unmarried girl from the community. हमारे गांव की लड़की है जो विवाह नहीं कर रही है। दूसरा ये कि since I was insider, I was sharing the same linguistic space, I had certain intimate conversations with women and could gather a lot of insights. But since I was of a particular gender, right? I have a gender and I was also a caste insider in these villages. So I could not talk to a lot of men. Why? Because beti lagalu tahara se baat kaise hui, right? So they will not facilitate any conversation with you. The other point which I wanted to make is that establishing my intellectual potential, that I am a researcher, was very difficult. Why? Why it was very difficult? Because historically and socially, we women and women of particular castes are considered non-meritorious, right? Without any merit. So you can easily identify with one example if I give. Recently, there was the entire media was behind one girl of Bihar in case of board exams to prove that she is non-meritorious, right? So, without understanding what was her social location, kin paristhitiyon mein merit tayyar hota hai, ye soche bagair seedhe aapko racially profile kar diya jata hai ki you cannot be a researcher, right? So this was one big challenge. Whenever you are going to do some study,
as gender, as part of one particular gender and a typical kind of social location which is not considered meritorious, you would find it very, very difficult, right? So before I proceed further, I would like to inform that my research is primarily informed by backward caste villages whose inhabitants are majorly owner cultivators and marginal farmers. I made use of certain women folk songs, genres like jatsari, jo jata peeste vakt gaate hain, aap log jante honge, ropni, sohni, झूमर और कजरी. इनको विस्तार से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि ये गीत हमारे समाज में उपलब्ध हैं, राइट. दीज फोक सॉन्ग्स आर अकाउंट्स ऑफ विमेन्स एवरीडे लाइफ. ये महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन का बयान है. व्हाट डू आई मीन बाय एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ का मतलब लेबर प्रोसेसेस इनसाइड द हाउस होल्ड एंड आउटसाइड द हाउस होल्ड. वन, टू, फेस्टिवल्स. 3. Life cycle occasions like death and birth and marriage, right? So the first thing I noticed while analyzing the folk songs was the description of material life and vulnerability of the left behind women, which is hardly part of masculine cultural discourses on migration. I'm saying masculine cultural discourses on migration because women is framed even in masculine cultural discourses, but in a particular way, not in a way in which she is agential, right? Women's songs clearly rationalize the longings in context of material and social hardship women face in their husband's absence. मतलब कि महिलाओं को गीतों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके गीतों में इतने सारे बायोग्राफिकल डिटेल आपको मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि पति के चले जाने का अर्थ सिर्फ रोमांस का चले जाना नहीं है. पति के चले जाने का अर्थ बाकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो सॉन्ग्स पोर्ट्रे दैट हुज हस्बैंड इज नॉट अराउंड आर मटीरियली वल्नरेबल बिकॉज अ वुमन हुज हस्बैंड इज नॉट अराउंड इज इकोनॉमिक लायबिलिटी, राइट. तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी कमाई खाओगी, केकर कमाई खैबू, राइट. क्योंकि आपको तमाम, अगर आप जतसारी गीतों को देखेंगे तो उसमें महिला ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देती है कि भाई मुझे तेल नहीं मिल रहा है, मुझे साबुन नहीं मिल रहा है, मुझे साड़ी नहीं मिल रही है. तो दो, दीज आर इम्परफेक्ट डिटेल्स, दे आर नॉट परफेक्ट. वाई दे आर नॉट परफेक्ट? Because we don't know who is the exact person, who is this exact woman, or the place, or the period. In the songs, you won't be able to identify these things clearly, but they are biographical details. They are saying something about the society. And they are saying that how gender is constructed through specific experiences of material vulnerability. Am I audible enough? Peeche sunai de raha? Theek hai? Okay. Can I have this water? Thank you. So these songs, they discuss the unequal resource position of women within family, community and household. Because the woman who is entering the household is somebody who is not the first person to be given resources. Okay? Because the rightful claim over resources comes from woman's sexual service to her husband, begetting sons and other forms of labor. If you are not an utilizable woman, then it is really hard for you to get certain resources. So this absence of husband has a direct impact on negotiation of a woman. Okay? Because the husband is around, she can still negotiate certain spaces because her right is via this particular male figure in the family. Okay, the other important finding of my research was that, which is common, but I would like to problematize it a bit. The absence of husband, pati nahi hai, or the process of migration legitimizes the act of singing sexual desire. Usually these things are not voiced in a day-to-day life, in an everyday life. But folk songs give you a space to sing these desire, a legitimate space, right?
So this sexual is culturally produced in the songs through a set of metaphors. तो ये कौन से metaphors हैं जिनके जरिए ये reproduce किया जाता है? I would give you one example which is very relatable. One of the prominent motif is gavana. Okay? So what is gavana? Gavana is a post-marriage ritual in which a woman is brought from her natal home to her conjugal or marital home. Right? So this ritual marks her puberty and is symbol of consummation of marriage. So consummation is decisive goal of gavana. Usually woman protagonist, jo mahila ka kirdar hai geeton mein, she challenges on the basis of this fact that see, gavana has been performed and you cannot run away from performing your conjugal duties. Gavana kara ke chali gaya sahar mein. So this is one of the prominent metaphor, and the man is reminded of the duty of consummation through this particular metaphor. And song read migration post gavana as conjugal betrayal. It is a sense of betrayal, right? Which is challenged in the songs with help of certain sarcasms. Vyang ke zariye geeto mein chunauti di jati hai, right? Okay. When I was young, like you people, because I was part of a migrant family and I was not living in Bihar, so I used to hear these songs in which men singers were singing Bhojpuri folk songs with migration motif in it, in which women were the protagonist. Ek example deti hu, clear ho jayega. Ek geet hai, "A sajni re piya galan Calcutta." Theek hai? तो हमको लगता था जब मैं आप लोगों की तरह छोटी थी कि भाई ये मर्द क्यों गा रहा है पिया गेलन कलकत्वा. बिकॉज इनिशियली आई वॉज नॉट अवेयर मच अबाउट द जेंडर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ जॉनराज. सो आई यूज टू थिंक कि ये महिलाओं के ही गीत हैं. चूंकि स्टेजेस उपलब्ध नहीं है तो पुरुष मंच पर महिलाओं के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं. बाद में जाकर मुझे पता चला कि नहीं, ये पुरुषों के ही गीत हैं. पुरुषों के भी जॉनरा में महिला मुख्य किरदार है, और ये मुख्य किरदार जो है उसका जो जेंडर है, दैट जेंडर इज फेमिनिन, एंड दैट टू नॉट इन थर्ड पर्सन, दैट टू इन फर्स्ट पर्सन. सो देयर वाज दिस फर्स्ट पर्सन फेमिनिन कैरेक्टर इन मेल सॉन्ग्स, सॉन्ग्स विच इज कंसिडर्ड. जैसे चाता मर्दों का गीत माना जाता है ना, औरतों का गीत नहीं माना जाता है. बट द जेंडर ऑफ द स्पीकर, द जेंडर ऑफ द नैरेटिव ऑफ द सॉन्ग इज अ फीमेल. So I was really troubled by this. So in order to understand that why men were becoming women to articulate crisis of migration, why they were doing this, why could they could have used first person masculine gender, right? Why they are using first person feminine gender? Why they are utilizing women's voice to convey the crisis of migration? So I decided to do a comparative analysis. तो जो ये गीत हैं जतसारी सोहनी रोपनी, इनको मैंने पूर्वी चैता गोंड कहरवा जैसे पुरुषों के गीतों से कंपेयर करने की कोशिश की ताकि मुझे शायद उत्तर मिल जाए. तो पूर्वी आप सब जानते हैं एक स्टाइलाइज्ड जॉनरा है, अब तो इसका एक कमर्शियल वैल्यू भी है. चैता का भी अब एक कमर्शियल वैल्यू है. पूर्वी का जो एस्थेटिक्स है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया है. मैं नहीं कह रही हूँ कि पूर्वी इज अपर कास्ट जॉनरा, बट स्टिल इट हैज सर्टेन अपर कास्ट सेंसिबिलिटीज. Whereas Gond and Kaherwa, these genres, these kind of songs are specific related to certain lower caste men. Okay, so मैंने देखा जब गीतों का comparison हुआ तो पुरुषों के गीत में there is romantic imagery of desire. कि कैसे भोजपुरी औरत अपने मर्द की याद में तड़प रही है. तो मर्दों के गीतों से ऐसा लगता है कि भाई औरतों को सिवाय अपनी पति के याद के कुछ सूझता ही नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं. जबकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. एक चैता गीत है, दहिया टूटेला पोर पोर हो रामा, और इसका हिस्टोरिक रिपीटेशन है. देयर इज नो अदर डिस्क्रिप्शन, देयर इज नो अदर बायोग्राफिकल डिटेल. ये आप टेंडेंसी सारे जो पुरुषों के गीत हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यूज, देयर आर सर्टेन डिटेल्ड सॉन्ग्स, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेन जॉनरास आर हिस्टोरिक रिपीटेशंस ऑफ सर्टेन डिजायर्स. बट द
the women genres, महिलाओं के जो गीत हैं, they pose the migration as serious social problem which affects women's familial, economic and social status. Men's songs portray as if men's migration is just an issue between husband and wife. बस two character narratives होते हैं, लगता है कि सिर्फ ये दो इन दोनों का मसला है. While women's songs situate the problem in a larger context and women's songs convey कि भाई पलायन मियां बीवी की समस्या नहीं है केवल, पलायन सामाजिक समस्या है, right? So women's songs reveal politics of hearth, चूल्हे चौकी की राजनीति भी आपको मिलेगी. You will see contestation over resources in women's songs in much more detailing. तो अब मैंने सोचा कि भाई मुझे उत्तर लेकिन नहीं मिल रहा था कि आखिर जो पुरुष हैं वो फेमिनिन जेंडर में क्यों गा रहे हैं. तो मैंने कुछ अजम्पशन किया, परहैप्स दे आर रॉन्ग, बट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ वे फॉर माय कन्वीनियंस दैट सिंस लेबर माइग्रेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस एंड मेन आर माइग्रेटिंग एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस इन विच इज पेनफुल टू. And it is often out of place experience. Migration destination जहाँ migrate करके जाते हैं is a difficult place. And there when men go, it is, they are becoming a system of, a hierarchical system in which they are placed in the lowest rung. So these men who are migrating are facing difficult contexts in their lives in the process of migration. Because they are either drivers or construction workers, wage laborers, craftsmen, artisans. So this process can have severe sociological impacts on them. In such a situation, ऐसे situation में they try to find a language, एक ऐसी भाषा चाहिए जिसमें भाई हम अपनी पीड़ा बयान कर सके. We need a language to express our pain, right? तो भोजपुरी मर्दों के जो लोकगीत हैं उसमें आपको शायद ही पीपल आर लिविंग उसमें आपको ओके. सो मेरा कहने का ये अर्थ है कि दिस लैंग्वेज ऑफ पेन एंड सॉरो इज समथिंग विच इज हाईली जेंडर्ड एंड इट डू नॉट सरफेस इन इमोशनल मैप ऑफ भोजपुरी मैस्कुलिनिटी. However, women are socialized in language of pain and sorrow and folk song are manifestation of it. So, Bhojpuri migrant men become women perhaps because they do not have language of their own. The language of pain is something which is feminine. Perhaps that could be a reason ki wo mahila ke voice mein geet ga rahe hain. Right? Theek hai. तो अगला मुद्दा जो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो अभी डेजी मैम भी बोलकर गई कि पहले माइग्रेशन होता था ऐसा, ऐसी बात नहीं है. माइग्रेशन इज अ कॉन्टिन्यूइंग फिनोमिनन, जो मैं भी आर्ग्यू कर रही हूँ. तो सिंस इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग रियलिटी एंड इट इज गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस बिकॉज एग्रीकल्चर एंड द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो इज अनेबल टू सस्टेन देम, इज अनेबल टू सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. सो सिंस this migration is happening and women are still not migrating in large numbers, the left behindness, पीछे छूट जाना, अभी भी एक सच है, एक reality है. क्यों? क्योंकि जो the remittance of migration has not brought any qualitative change in lower caste peasant women's life. Women migrating to cities has not become a reality. और जो पैसा आता है उसमें आपको महिलाओं की जिंदगी में कोई विशेष बदलाव दिखाई नहीं देगा. मैं जिन तीन गांवों में गई, महिलाएं आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, आज भी गोईठा से खाना बना रही हैं. हाँ, पुरुषों के पास जरूर मोटरसाइकिल है, गन्स हैं. सो आई सॉ दैट इट इज नॉट रियली यूटिलाइज इन perhaps in some villages, but what I saw, I couldn't see any change that it is bringing any qualitative change in women's life. Women are largely unlettered, even if they have gone to school, they have gone to a certain extent, certain classes, and they are not just left behind by their men, they are also left behind in the processes of modernity, in the processes of mobility, right? तो बदलाव कहाँ आया है? क्योंकि हम तो बदलाव भी खोजने की कोशिश करते हैं. Where is the change? Perhaps I am wrong, but मुझे लगता है बदलाव केवल
गीतों के भाषा में और वोकैबुलरी में आया है, उससे ज्यादा नहीं। पहले पनिया के जहाज से आया करते थे गीतों में, मुझे नहीं मालूम कि हकीकत में सारे लोग पनिया के जहाज से ही आते होंगे, पर गीतों में पहले पनिया का जहाज मेटाफर हुआ करता था, आज गीतों में बोलेरो गाड़ी मेटाफर है। तो गीतों के मेटाफर बदल गए हैं, लेकिन मोर और लेस महिलाओं की स्थिति नहीं बदली है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने एक टेक्स्टुअल एनालिसिस किया, गीतों के टेक्स्ट की पढ़ाई की, अगर आप मैं अगर यहाँ की नहीं होती, मान लीजिए कोई मैं विदेशी महिला हूँ और यहाँ आकर तैयारी कर रही हूँ और लोक गीतों पर लिख रही हूँ, तो मैं एक बहुत ही रोमांटिक पिक्चर खींचूंगी कि क्या बात है, बहुत बढ़िया है, महिलाएं तो गालियां दे रही हैं गीतों में, मुझे लगेगा कि महिलाएं बहुत एजेंशियल हैं। मगर हमें ये समझना पड़ेगा कि जिन इलाकों से ये गीत कलेक्ट किए गए हैं वहां पर उन इलाकों में टॉयलेट्स नहीं है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेबरहुड स्कूल्स नहीं है कि मैट्रिक तक या इंटर तक पढ़ाई हो सके। तो कितना भी गीतों में चैलेंज कर रही हैं महिलाएं, इज दैट द रियल चैलेंज? आर दे चैलेंजिंग इट रियली? नो, बिकॉज दीज सॉन्ग्स दे डू नॉट इक्विप वुमेन टू टॉक टू द पावरफुल विद इन द फैमिली और द कम्युनिटी और द सोसाइटी। इवन द पावरफुल इज नॉट प्रेजेंट, मतलब जिनके जिनको गालियां दी जा रही हैं या जिनको रेजिस्ट किया जा रहा है वो फिजिकली ऑडियंस भी नहीं है इन गीतों का, फिजिकल ऑडियंस तो दूसरी महिला है। तो असल में क्या ये चुनौती दे रहे हैं गीत? क्या हम इन्हें बेहद एजेंशियल गीत मानेंगे? मुझे डाउट है। दूसरा ये है कि दीज सॉन्ग्स आर अकोमोडेटेड वेरी वेल इन एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन ऑफ agrarian caste society. I believe that folk songs emerges in certain conditions in which you don't have any other medium to express. If you have had any other medium, if you could write in newspapers, you could have written that. But no, you are not. So perhaps they are acting like pressure cooker to release the pressure from the society. So they have assumed character of a ritual. It has become a ritualistic challenge and not the real challenge. So on a reflective note, I would like to argue that there is a disjuncture in the images of the folk songs and the real life, and this disjuncture would take a sharp form of antithesis with real social changes. Folk songs are not capable of bringing real social changes that will be brought by education, representation in public institution and moving away from caste occupation. तो मैं कंक्लूड करूंगी, आप रेस्टलेस मत होइए, बैठिए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैडम कि अगर मैं गीतों पर गा रही हूँ, गीतों पर लिख रही हूँ थीसिस, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि महिलाएं, मेरी जो एकेडमिक एनर्जी है वो एक गुस्से से उपजी है। आई एम एंग्री अबाउट इट because folk songs originate and are sustained in suppressive and oppressive condition. तो ये अकादमिक मुद्दा भले ना हो, पर मेरे जैसी महिलाओं के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में ये लोकगीत गाए जाते हैं उन परिस्थितियों में बदलाव जरूरी है। तो कृषक और पिछड़े समाज की महिलाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर अपने इलाकों से निकल भागें, गीत गाना बंद कर दें, कल को ये गीत बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, महिलाएं थीसिस लिखें, रिसर्च पेपर लिखें, महिलाएं अखबारों में लिखें, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू।